गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कार पब्लिक स्कूल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सेकेंड साइंस बाय जीवनप्रीत कौर। योर टुडे टॉपिक इज क्लोथ्स। क्लोथ्स कवर आवर बॉडी, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस। हम लोग को क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज क्लोथ्स कवर आवर बॉडी, वो हमारे शरीर को ढक देती है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हम लोग को गंदगी से बचाती है। वी शुड ऑलवेज वेयर ए नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा ही साफ और सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। क्लोथ्स, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ इन डिफरेंट सीजन्स। लेट्स सी, इन समर सीजन, इन विंटर सीजन एंड इन रेनी सीजन। कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर इट इज़ हॉट, पीपल वेयर कॉटन क्लोथ। कॉटन क्लोथ्स आर वेरी लाइट, वी वेयर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर। हमें कॉटन क्लोथ हम लोग गर्मियों के दिन ही पहनते हैं। कॉटन क्लोथ बहुत ही लाइट होता है, बहुत हल्का फुल्का सा होता है, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं देता है। और भी हम लोग को कॉटन क्लोथ्स जो है, हम जब कुछ दुनिया के कुछ पार्ट्स में जब गर्मी रहती है तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। लाइक कुछ पार्ट्स में, मतलब जैसे राजस्थान में गर्मी रहती है तो हम लोग उस टाइम पे कॉटन्स के क्लोथ्स का ही यूज़ करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, कॉटन क्लोथ्स के पिक्चर्स आप देख सकते हैं। नाउ, वुलन क्लोथ इन विंटर सीजन, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर इट इज़ कोल्ड, पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। दीज आर मेड फ्रॉम वुल, फर एंड लेदर। विंटर सीजन्स में हम लोग वुलन क्लोथ पहनते हैं, मतलब जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में हम लोग जो है स्वेटर्स पहन के आते हैं, जैकेट पहन के आते हैं, टोपी लगा के आते हैं। तो दुनिया के कुछ पार्ट्स में ठंडी रहती है, जैसे जम्मू और कश्मीर में ठंडी रहती है, तो हम लोग उस जगह पे ठंडी के ही कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब जैकेट्स और ये सब पहन के जाते हैं। वो जैकेट्स और स्वेटर हम लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि उससे हम लोग को गर्मी मिलती है और हम लोग को ठंडी नहीं लगती। वो सब कपड़े वूल से बनते हैं, फर से बनते हैं और लेदर से बनते हैं। आपको पता ही होगा कि वूल हम लोग को कहाँ से मिलता है। वूल हम लोग को शिप प्रोवाइड करती है। यू कैन सी वुलन क्लोथ्स फ्रॉम वूल, फर एंड लेदर। नाउ, रेनी क्लोथ एंड एक्सेसरीज इन रेनी सीजन। रेनी सीजन, व्हेन इट रेन्स वी वेयर रेनी कोट ओवर आवर क्लोथ, इट कीप अस ड्राई। वी यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। जब बारिश हो रही होती है तो आप सभी को पता है कि हम लोग रेन कोट का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग गीले ना हो और बीमारियों से भी बचे रहें। क्योंकि बारिश का पानी जो होता है वो थोड़ा गंदा होता है, तो उसकी वजह से हम लोग को बुखार वगैरह पकड़ लेता है। तो हम लोग को उस पानी से बचने के लिए हम लोग रेन कोट का यूज़ करते हैं और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग गीले ना हों। सिल्क एंड लेयन क्लोथ्स, वी ऑल्सो वेयर क्लोथ विच मेड ऑफ सिल्क एंड लेयन्स। सिल्क क्लोथ आर शाइनी एंड स्मूथ टू टच, वी वेयर देम फ्रॉम स्पेशल ओकेशंस। तो हम लोग जो हैं सिल्क के कपड़े तभी पहनते हैं जब कोई पार्टी वगैरह होती है, क्योंकि वो कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही स्मूथ, मतलब मुलायम और शाइनी होते हैं। एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे साड़ी, यू कैन सी द साड़ी, साड़ी so shiny and looking so smooth, you can see. As you can see, the sari is so shiny and see these so shiny and so smooth. हम लोग इन्हें स्पेशल ओकेजन्स में ही, मतलब पार्टीज वगैरह में ही सिल्क के कपड़े पहनते हैं। नाउ, दिस इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू ऑल। ये आप लोग को बस टिक करना है, इनके ऑप्शंस नीचे दिए हैं, मैं पहला बता दे रही हूँ, इसके बाद का आप लोग को करना। चिल्ड्रन वेयर डैश इन स्कूल यूनिफॉर्म,
स्पेस सूट ETC. सो चिल्ड्रन वेयर, चिल्ड्रन क्या वेयर करते हैं स्कूल्स में? यूनिफॉर्म. अब सेकेंड और थर्ड वाला आपको ही फिलअप करना है. दिस इज़ अ स्मॉल होमवर्क एंड दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल होमवर्क. जैसे कि हम लोग पूरे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमें कौन से क्लोथ कौन से सीजन्स में पहनने हैं, तो आप लोग को दो दो क्लोथ्स के नाम लिखने हैं. जैसे समर में हम लोग क्या पहनते हैं, रेनी में हम लोग क्या पहनते हैं, और विंटर में हम लोग को क्या पहनना चाहिए. तो हम लोग इन इन सब के नाम दो दो लिख लेंगे. सो थैंक यू.